नमस्कार, तृप्ति रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बहुत ही कम समय में बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, सूजी और प्याज का चटपटा पराठा। पराठा बनाना बहुत ही आसान है। और पराठा बनाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सूजी और प्याज का चटपटा पराठा बनाना शुरू करते हैं। सूजी और प्याज के पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है, आप कोई भी सूजी इस्तेमाल में ले सकते हैं। और अब हम इसमें एक कटोरी प्याज ऐड करेंगे, प्याज को भी बारीक कट कर लें और साथ में बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और दो हरी मिर्च। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर नहीं डालें। और सारे मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्वाद के अनुसार नमक डालकर। और जब भी सूजी और प्याज का पराठा बनाएं तो थोड़ा गुनगुना पानी इस्तेमाल में लें। और अब हम इसमें पानी डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जिस तरह से आप आटा का डो तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, इसी तरह से हमें डो तैयार करना है परफेक्ट, क्योंकि सूजी बाद में पानी सोख लेता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी हेल्दी होता है और इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है और एक छोटा सा बॉल लेंगे और इसे गोल शेप देते हुए बेल लेंगे। दूसरे साइड मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इस पे पराठे डाल देते हैं। देखिए, पराठे को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। एक साइड से पक चुके हैं, अब दूसरे साइड से पलट लेते हैं। सूजी और प्याज का पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और साथ में काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली रेसिपी है। और अब हम एक स्पून तेल लेंगे, अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। और इसे दूसरे साइड से प्रेस करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हम एक मिनट के लिए दूसरे साइड से और पका लेंगे। और ये हमारा सूजी का और प्याज का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस है, बाकी के भी पराठे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही कम समय में बनने वाले हेल्दी और टेस्टी सूजी और प्याज का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार अवश्य ट्राई करिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।